हेलो जेमिनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अगस्त के फोर्थ वीक की, यानी 24 से लेके 31 के लिए। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फोर्थ वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर जेमिनाई। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, Three of Pentacles, Seven of Swords, Two of Pentacles. Okay. So यहां पे Knight of Swords कार्ड से ऐसा लग रहा है जेमिनी कि आपको जल्दी है अपने रिलेशनशिप के नेक्स्ट स्टेज पे जाने की। यहां थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप अपने पार्टनर से कोई सॉलिड कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं। आप अपने पार्टनर को बार बार ये पूछ रहे हैं कि क्या आपका और उनका कोई फ्यूचर है। मुझे लगता है कि आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं अगस्त के लास्ट वीक में। आप किसी तरीके से भी पहुंचना चाहते हैं किसी कंक्लूजन पे। आपको गारंटी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और शायद आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को इसके लिए पुश कर दें। उनको ऐसा लग सकता है कि वो परेशान हो रहे हैं। आपकी इसमें गलती नहीं है, एनर्जी कुछ आपके आसपास ऐसी बनी हुई है जो आपको इनसिक्योर फील करा रही है, और सिक्योर फील करने के लिए आप बार बार अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं और श्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके लिए हैं और हमेशा रहेंगे। फिर यहां पे है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जेमिनी, आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना भी नहीं चाहते। इनसिक्योरिटीज हैं आपके अंदर कि पता नहीं ये रिलेशनशिप आगे जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि पास्ट में शायद कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण आपके मन में बहुत ज्यादा डर बैठ गया है इसके फ्यूचर को लेके। आप बार बार पीछे की बातों को याद कर रहे हैं। पीछे की बातों को याद करने से आपको लग रहा है कि आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट मिल जाए तो अच्छा होगा, लेकिन जब वो नहीं मिल रही है तो भी आप उस रिलेशनशिप में हैं। आप इन शॉर्ट्स को कैरी कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में नाखुश होके भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये आपकी इमोशनल वीकनेस बन चुका है इस वीक में। यहां आप टू ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं। आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे अपने पार्टनर से क्लियर जवाब पाने का, उतनी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी। मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो अपने शब्दों से खेल रहे हैं, कुछ भी आपको क्लियर नहीं कह रहे हैं कि वो इसमें रह सकते हैं तो वो यस कह दे, या नहीं रह सकते तो नो कह दे। वो ये चीज नहीं कह रहे हैं, और ये चीजें आपको मेंटल लेवल पे और ज्यादा उलझा रही हैं, परेशान कर रही हैं। और इस फ्रस्ट्रेशन में आप और ज्यादा अपने पार्टनर को पुश कर रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन जो आपके अंदर है ये आपकी वजह से नहीं है, एक्चुअली में शायद आपके पार्टनर के बिहेवियर की वजह से है। ओके, ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है जेमिनी, सबसे मैच नहीं करेगी, रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है,
इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैसेजेस फॉर जेमिनी। डेथ, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आपका ये जो बार बार पुश करना है अपने पार्टनर को और ये पूछना कि वो आपके साथ रहेंगे या नहीं फ्यूचर में, पास्ट की चीजों को बार बार याद करवाना उन्हें ताकि उन्हें पता चले कि पास्ट में क्या हुआ है, वो काम करेगा। यहां पे डेथ का कार्ड आप देख रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ फाइनल सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, आपके पार्टनर आपको जरूर कोई ना कोई कमिटमेंट देंगे, या तो वो आपको कमिटमेंट देंगे या वो आपको ये क्लियर कर देंगे कि वो आगे नहीं जाना चाहते, आप मूव ऑन कर सकते हैं। ये जो डायलेमा है ना, ये कॉइन का बार बार ये घूम आ रहा है जो इसको, ये इंसान, ये चीज खत्म हो जाएगी। यहां नाइन ऑफ कप्स के साथ विश फुलफिलमेंट, ऐसा लग रहा है कि आपकी विश पूरी हो गई है, आप रिलैक्स्ड हैं, आप फिर से सिक्योर फील करना शुरू कर देंगे क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। आपको जो बात जाननी थी वो आपके पार्टनर आपको क्लियर कर देंगे और शायद ये जो कमिटमेंट है आपको मिल जाएगी, यानी मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर जो है आपको नो कहने वाले हैं। विश फुलफिलमेंट के साथ टेन ऑफ कप्स है, एक फैमिली लाइफ नजर आ रही है, तो आपके पार्टनर आपको मैरिज का कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो फिर मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी इस वीक में, सारी प्रॉब्लम्स के सॉर्ट आउट होने के बाद। लेकिन बात करना जरूरी है जेमिनी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इनसिक्योरिटी है आपके अंदर, कोई चीज आपको तंग कर रही है, तो उसके बारे में बात करना जरूरी है अपने पार्टनर से इस वीक में। यहां पे एट ऑफ कप्स है, एट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन हैप्पी है हर चीज से, लेकिन यहां पे दो कप्स फिर भी मिसिंग है, तो आप उसकी खोज में निकल रहे हैं। आपको परफेक्शन चाहिए जो कि शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। सिक्योरिटी आ गई है आपके अंदर, लेकिन तब भी डिससेटिस्फैक्शन ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। आठ कप मिल गए, विश फुलफिल हो गई, सब हो गया, लेकिन फिर भी आप कुछ कमी निकाल लेंगे और उस कमी को पूरा करने के लिए, सॉल्यूशन खोजने के लिए आप निकल पड़े हैं जेमिनी। तो मुझे लग रहा है ये आपकी साइकोलॉजी इस वीक में आपको ज्यादा तंग करने वाली है, क्योंकि कंप्लीट भी आपको कंप्लीट नहीं लग रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है। इस थॉट को आपको दिमाग से निकालना होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फोर्थ वीक ऑफ अगस्त। मैसेजेस फॉर जेमिनी। कृष्णा, डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आपको कह रहे हैं कृष्णा कि आप अपने अंदर की बातों को सुनिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रही है, जो भी आपके मन में आ रहा है वो आपको यूनिवर्स फील करवा रहा है और आपको राइट डायरेक्शन में जाने को कह रहा है।
योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। आपने जो कुछ भी किया है वो आपके पार्टनर समझ रहे हैं, आपके एफर्ट्स को समझ रहे हैं, ओके और उसका ही फल आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको यस कह देंगे। यू आर लव्ड अनकंडीशनली। आपको जो प्यार मिल रहा है वो बिना किसी कंडीशन के मिल रहा है जेमिनाई इस वीक में, और इसके पीछे कोई कारण नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के यस कहने के बाद भी एट ऑफ कप्स आपके पास है लेकिन दो आप खोजने निकले हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई स्वार्थ होगा इसीलिए ये आपको यस कह रहे हैं टेम्पररी कोई बेनिफिट या एडवांटेज के लिए, तो ऐसा नहीं है। बिलीव कीजिए अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर। तो ये थी अगस्त के फोर्थ वीक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।